अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। अमृत वेले वैसे तो हर एक ब्राह्मण बाबा से मिलन मनाता, रूरिहान करता, लेकिन महारथी आत्माओं और अन्य आत्माओं की मिलन मुलाकात में काफी अंतर होता है। बाबा ने कहा, यह जो गायन है कि एक दूसरे में समाकर एक हो गए, यह तो जैसे महारथियों के मिलन का ही यादगार है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये कहावत इसलिए रोंग है क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया। वह पूरा शब्द था लव में लीन होना। अमृत वेले के समय विशेष महारथियों को ऐसा पावरफुल अनुभव होता जैसे कि वो बाप का स्वरूप हो गए, बाप में ही समा गए, और बाकी जो अन्य आत्माएं हैं वह बाप से सने और शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे युद्ध करते करते समय समाप्त कर देते हैं, लेकिन महारथी आत्माएं योग में बैठे और समा गए। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को ही स्वयं में समा लेते हैं। फिर बाबा ने कहा, जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है ना दर्शन करने के लिए, वैसे ही अमृत वेले की सीन होती है। हर एक ब्राह्मण बच्चा अमृत वेले बाप से फर्स्ट नंबर पर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होता है। बाप तो चकमक है, तो जो स्वच्छ आत्माएं होती हैं वो ऑटोमेटिकली समीप आ जाती हैं। बाप दादा भी चेक करते हैं कि कौन कौन आत्मा कितना समीप है। तो आज से हर एक आत्मा को ये पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम भी स्वच्छ बने और अमृत वेले बाप के लव में लीन होने का अनुभव करें, ना कि बाप से सने और शक्तियां खींचने वाला बने। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।